नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं निष्ठा चड्डा और आप देख रहे हैं समाचार फर्स्ट टू द पॉइंट। इस वक्त हमारे साथ 85 वर्ष की बुजुर्ग राज महाजन जी मौजूद हैं, जो कि हमें चंबा के बारे में बताएंगी, इतिहास के बारे में बताएंगी, धार्मिक चीज़ों के बारे में बताएंगी और साथ ही साथ शादियों से, जो वहाँ की चंबा की लोकल शादियाँ होती हैं, विवाह होते हैं, कि रिचुअल्स कितने जो हैं वो चेंजेस हुए हैं, इसके बारे में जो है हम जानेंगे इनसे। और साथ ही साथ अगर हम आपको बताएं क्लाइमेट चेंजेस के बारे में भी हम इनसे जानेंगे। सबसे पहले मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है समाचार फर्स्ट टू द पॉइंट में। थैंक यू जी। चंबा से आप हैं तो कब से जो है वहाँ पैदाइश ही आपकी वहाँ पर हुई थी या फिर कुछ टाइम पीरियड आप वहाँ पर रहे हैं? पैदाइशी तो मैं वहाँ की नहीं हूँ, लेकिन चंबा डिस्ट्रिक्ट में सुनता जगह है, वहाँ मतलब मेरी मैरिज हुई थी, वहाँ मैं रही हूँ जी। मैरिज कौन से सन में हुई थी आपकी? 63 में आपकी मैरिज हुई थी। तो आज 2023 हो चुका है और 1963 में आपने कहा आपकी शादी हुई थी। इस पूरे टाइम पीरियड की अगर हम बात करें तो उस समय चंबा कैसा था और आज के समय में चंबा कैसा है? बहुत फ़र्क है। उस वक्त जब मेरी मैरिज हुई थी तो सुनता जगह जाने के लिए कोई मतलब एक रास्ते में दरिया आता था, तो वहाँ पर कोई पुल नहीं था, तो एक आदमी होते थे कुछ जिनको लांगे बोलते थे, तो वो अपनी पीठ पर मतलब पार कराते थे उस दरिया को। अच्छा, तो फिर लांगे किन्हें कहा जाता है? लांगे मतलब वहाँ के मतलब लोग रहने वाले होते थे जो कि दरिया से पार कराते थे, मतलब दरिया को इधर से उधर जी। मतलब उनको, उन लोगों को लांगे कहा जाता है या उनकी कोई कास्ट वगैरह थी? लोगों को लांगे कहा जाता है। ठीक है, वो पार करवाते थे, पार करवाते थे। फिर वहाँ से मतलब कोई 15 किलोमीटर है उस सुनता जगह, तो वहाँ जाने का और कोई साधन नहीं था, तो 7 बार मैं भी वहाँ पैदल गई हूँ जी। तो 7 बार तो फिर उसके बाद कुछ बसें वगैरह, एक बस जाती थी वो बरसात में मतलब बंद हो जाती थी, तो फिर वो जाती नहीं थी, तो महाजन साहब दिल्ली में सर्विस करते थे मेरे हस्बैंड, तो वो आते थे कभी, तो फिर हम जाते थे इकट्ठे, तो वापस भी फिर छुट्टियाँ बता करके आते थे जी। तो वहाँ का जो रहन सहन था वो बहुत सिंपल और बहुत ही स्वीट कहा जा सकता है, क्योंकि जिस घर में मेरी शादी हुई थी वहाँ वो 5 भाई थे मेरे हस्बैंड, और मेरी 3 जेठानियाँ थी और बाद में एक देवरानी आई, तो इस तरह से हमारा परिवार बड़ा मतलब, बच्चे भी थे 17-18 बच्चे थे अब तीनों चारों फैमिलीज़ के, तो बड़े मज़े से सुबह मेरी बड़ी जेठानी जो थी वो खाना बनाती थी, तो उस वक्त तो उसको वो बोलते हैं ना गड़ी की रोटी, गड़ी गड़ रोटियाँ, तो वो गड़ी रोटियाँ बनाते थे और एक बहुत बड़ी चाटी सी होती थी, उसमें उन्होंने गर्म कपड़ा डाला होता था, तो उसमें वो रखते थे जो कि सारा दिन ही गर्म रहती थी, बच्चे जब स्कूल से आते थे तो वो गर्म रोटी उनको मिलती थी। गाड़ी पे रोटियाँ, गाड़ी रोटियों का मतलब पकाई हुई रोटियाँ, पकी हुई जो मतलब बबरू टाइप भी होती हैं एक तरह से, है ना, तो वो गड़ी रोटियाँ बोलते थे उनको। अच्छा, हाँ हाँ, उस वक्त वहाँ गड़ी रोटियाँ कहते थे। मैम, आपका पूरा ज्वाइंट फैमिली थी, इकट्ठे रह संयुक्त परिवार थी? हाँ जी, 5 भाई थे, तो उस वक्त मेरे देवर पहले अनमैरिड थे, तो एक और 3 मेरी जठानियाँ थी, 3 मेरे जेठ थे, तो सब बड़े प्यार से एक ही घर में रहते थे, वहाँ ही सबका खाना बनता था। अब अगर हम बात करें चंबा में कितना बदलाव आया होगा आज को लेकर, और अगर हम बात करें 1963 के समय में, बहुत ज़्यादा बदलाव है। उस वक्त मतलब कोई खाने पीने के इतने साधन नहीं थे वहाँ, तो हमारा घर, क्योंकि वो शाहूकार फैमिली थी, ज़मींदार थे, मतलब ज़मीनें थी उनकी, उनके पास बड़ा अनाज होता था, अनाज को रखने के लिए उस वक्त वो जो बने होते थे ना स्टोर, उनको पेड़ू बोलते थे, तो पेड़ू होते थे बहुत बड़े बड़े, तो एक कमरा वो पेड़ुओं से भरा रहता था, तो उसमें वो अनाज जमा रहता था, तो मतलब बड़ी मतलब फैमिली आराम से रहती थी। बाद में फिर मेरे हस्बैंड क्योंकि दिल्ली थे, तो उन्होंने घर के लिए मशीनरी लगा दी, मतलब जिसमें आटा पीसने की एक मशीन, एक चावल के लिए और एक तेल के लिए, तो फिर वो सारा गांव जो था वहां का भी और जो आसपास के गांव थे वो सारे वहां पर काम करवा लेते थे।
अगर हम बात करें धार्मिक प्रथा के बारे में, वहाँ कौन सी ऐसी प्रथा जो है कोई मान्यता हो जिसके बारे में आज भी चर्चित है? वो ऐसे है जैसे शादियाँ वगैरह होती थी ना, तो वो सब गांव वाले जो ना, ये जिसके घर में शादी थी तो उनका टाइम फिक्स होता था, इतने बजे तक वो मतलब बैठते थे, वहाँ गाना बजाना सब कुछ होता था बड़ी रौनक के साथ और बड़े प्यार से। फिर खाना पीना भी वहाँ बनता था, वो वहाँ ही खाते थे। मतलब इस तरह से मैंने देखा कि बड़ा ही रौनक वाला मतलब गाँव था। तो मैम अगर बात करें, आप फर्स्ट ग्रेजुएट रह चुकी हैं गुरदासपुर में, तो कितना स्ट्रगल जो है वो लाइफ हुई होगी आपकी, क्योंकि उस टाइम पे लड़कियां पढ़ाई भी नहीं करती थी, फैमिली सपोर्ट नहीं मिलता था। अगर कहीं ना कहीं फैमिली सपोर्ट कर भी देती थी तो सोसाइटी बहुत सारे क्वेश्चंस करती थी, तो कितना स्ट्रगल रहा आपका? तो कोट जैसे पहनना मतलब, तो जैसे बाकी ना टॉन्ट करने लगे कि भाई उस कोट, हाँ कोट पहनने के लिए, क्योंकि उस वक्त लड़कियाँ कोट नहीं पहनती थी। तो अब क्योंकि मैंने तो कॉलेज जाना होता था, सर्दी होती थी, तो फिर कोट चलाना पड़ा, तो मैंने पहन लिया। तो फिर मेरे फादर ने कहा कोई बात नहीं, कोई कुछ भी कहे, कोई ज़रूरत ही नहीं। मैंने कहा ठीक है। तो उस तरह से मैंने मतलब बड़े अपने ढंग से मतलब हर चीज़ को उसको टैकल किया। मतलब फैमिली ने सपोर्ट किया और सोसाइटी ने क्वेश्चंस किए, होता है। फिर उसके बाद कोई ऐसी बात नहीं हुई है। फिर जब पहन ही लिया तो पहन रही है, तो फिर बार बार क्या वो बोलेंगे। हाँ, बहुत अच्छी तरह से। फिर बाकी मतलब कॉलेज में भी बहुत सपोर्ट मिला, प्रोफेसर से भी और प्रिंसिपल से भी, जैसे मैंने बताया। हाँ, तो मैम जैसे आपने कहा कि प्रिंसिपल से भी आपको सपोर्ट मिला, तो कॉलेज में गर्ल्स सिर्फ दो गर्ल्स थीं और ग्रेजुएट उनमें से आप थीं, लेकिन अगर कॉलेज की जर्नी पूछें तो वहाँ पे कुछ क्वेश्चंस नहीं आए? हमारा दूसरा सेशन था ना जी, पहले सेशन में भी लड़कियां थी। मैं जब टेंथ में थी ना, तो कॉलेज तब खुल गया ना सामने बॉयज स्कूल में, तो वो एक सेशन पहला था, ठीक है। तो उसमें मतलब लड़कियां थी, लेकिन वो बाहर की लड़कियां थी मोस्टली। हाँ जी, तो उस वक्त 5 लड़कियां थी मतलब जी। इसके बाद फिर हम तो थी, हम कॉलेज का नाम अगर याद हो? हाँ, गवर्नमेंट कॉलेज गुरदासपुर। ठीक है। तो मैम अगर बात करें तो कुछ कॉलेज में कुछ डिफ़िकल्टीज, क्योंकि बॉयज़ बहुत ज़्यादा थे और केवल क्लास में 2 लड़कियां, तो कुछ मतलब कुछ ऐसा स्ट्रगल रहा लाइफ में? हाँ नहीं, ऐसे खुद विचार होते हैं ना अपने अपने, लेकिन हम कुछ ऐसे थे नहीं, तो जैसे यहाँ बैठ जाते थे तो ऐसा मतलब प्रभाव ही पड़ गया। मतलब प्रिंसिपल ने भी, मैंने कहा ना, अनाउंस किया, और उसके बाद बच्चों पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि उनकी हिम्मत ही नहीं होती थी, यहाँ हम दोनों बैठी होती थी तो वो हमारे पास से गुजरते ही नहीं थे, वो परे से गुजरते थे। तो आप बहुत, अगर बात करें उस समय में लड़के भी काफ़ी ज़्यादा सहज थे और बहुत इज्जत करते थे महिलाओं की? बिल्कुल करते थे, ऐसी बात नहीं, ज़रूरी है। और दूसरी बात यह थी कि मेरे को थोड़ा स्टेज पर बोलने की आदत थी, स्कूल में भी बोलती थी तो कॉलेज में भी बोलती थी, तो फिर मैं डिक्लेमेशन डिबेट्स वगैरह में पार्टिसिपेट करती थी। कॉलेज में प्रिंसिपल साहब ने असेंबली में एक बार अनाउंस किया था, द मोस्ट सीरियस गर्ल ऑफ द कॉलेज। अच्छा, उस टाइम काफ़ी प्राउड फील हुआ होगा अपने आप में। नेचुरली होता ही है। हम बात करें तो मैम जो हैं वो शादी के बाद चंबा डिस्ट्रिक्ट में रही हैं, तो मंदिरों के बारे में भी काफ़ी कुछ जानकारी रखते होंगे, तो उसके बारे में प्लीज़ बताइए। मंदिरों में ज़्यादा रघुनाथ जी का मंदिर, वो बड़ा मतलब फेमस है और बहुत बड़ा मंदिर है और बहुत पुराना मंदिर है, राजाओं के टाइम का भी मतलब पुराना मंदिर है वो, तो बड़ी मान्यता है, लोग सब जाते हैं वहाँ और अच्छी तरह से पूजा पाठ करते हैं, और कई लोग तो शादियाँ भी वहाँ करते हैं, शादियाँ भी मंदिर में करते हैं, तो ऐसी मान्यता है वहाँ मंदिर का। तो इतना मशहूर मंदिर और इतना पुराना मंदिर, इतनी सुंदर सुंदर मूर्तियाँ वहाँ बनी हैं, तो ऐतिहासिक है वहाँ। वो कुछ लोग रहते हैं जो कि पीतल के थाल बनाते हैं, तो पीतल के थालों में भी वो मूर्तियाँ बनाते हैं, उन्होंने पीतल के थालों में भी 12-12, 14-14 मूर्तियाँ बनाई होती हैं, और बड़ी सुंदर, और बड़ी बहुत बिकता है मतलब बहुत बिकता है। चंबा में तो चंबा रुमाल भी बहुत ज़्यादा सेल आउट होता है। चंबा रुमाल जो है वो हाँ इंटरनेशनल बन चुका है, तो उसमें जो मेरी एल्डर सिस्टर थी ना, वो जानती थी, उसकी कढ़ाई जो है ना वो स्पेशल होती है, वो आम कढ़ाई नहीं होती, वो दोनों तरफ एक जैसा होता है, दोनों तरफ एक जैसा। तो मेरे एल्डर सिस्टर जो थे ना, वो जानते थे, वो बनाते थे। तो 84 का मंदिर जो है वो तो बड़ा ही मशहूर है, लोग वहाँ जाते हैं, ये मान्यता है वहाँ के, जो
अपने अपने कर्मों के अनुसार, जिसके कर्म अच्छे हैं वो स्वर्ग में जाएगा, जिसके कर्म नहीं अच्छे हैं वो नरक में जाएगा। तो ऐसा मान्यता के कारण लोग मतलब बड़ी वहाँ पूजा पाठ भी करते हैं। कई लोगों ने कई कुछ मतलब कहा होता है कि हम जाएंगे तो वहाँ ज़रूर मंदिर में जाएंगे, तो ज़रूर मंदिर वो करके आते हैं। ग्रेजुएट जैसे आप फर्स्ट मतलब पहली जो है आपने किया जो ग्रेजुएट हैं गुरदासपुर में, और मैं आपको बता दूं ये केवल महिलाओं में नहीं, इवन गर्ल्स और बॉयज़ दोनों में सबसे पहली ग्रेजुएट रह चुकी हैं। तो ये सिलसिला कितना अच्छा था, कितना रोमांचक था, और क्या जर्नी है आपकी, इसके बारे में ज़रूर बताइए। तो जब गुरदासपुर में मैंने मैट्रिक के बाद मतलब सामने बॉयज़ स्कूल में जब कॉलेज खुल गया तो सेकेंड ईयर हमारा था, मतलब एक साल पहले बच्चे वहाँ थे। तो उस वक्त मैथमेटिक्स मैंने कहा मैंने पढ़ना है, तो मैथ्स की क्लास से मतलब हमारे मिस्टर वर्मा होते थे प्रोफेसर, बहुत ही अच्छे थे और बड़े हंसमुख भी थे और बड़े लायक भी थे। तो उन्होंने मेरे को वैसे बहुत सपोर्ट किया आगे जाने के लिए, तो फिर मैंने इस तरह से मैथ्स के साथ ग्रेजुएशन की। तो उस वक्त बीटी बोलते थे बीएड को, तो बीटी उस वक्त इधर कहीं नहीं थी, नज़दीक अमृतसर में थी। तो अमृतसर में मैंने एडमिशन ली, मेरी बुआ जी रहती थी वहाँ, तो बुआ जी के घर से कॉलेज जो था वो नज़दीक था, 10 मिनट का रास्ता था। तो मैंने वहाँ से मैंने बीटी कर ली, और बीटी मैंने जैसे ही की 60 में, तो 60 में मैं छुट्टियाँ पड़ी हुई थी तो आई सुजानपुर में पंजाब में, तो वहाँ मेरे मसैया मासी होते थे, तो मसैया जी दुकान करते थे, तो वहाँ से वो जो हेडमिस्ट्रेस थी हाई स्कूल की वो गुजरी, और उन्होंने कहा जी हमारी एक भांजी आई है, तो ऐसे उसने मतलब बीटी की है, तो आपके स्कूल में कोई जगह है। फिर मेरे पास पूछा उन्होंने, मैंने कहा मेरे पास मैथ्स और इंग्लिश है मेरे सब्जेक्ट्स, तो उन्होंने बोला जब, तो वो उसी वक्त ही वो उनके साथ ही घर में ही आ गई, क्योंकि उस वक्त मैथ्स के स्टूडेंट्स नहीं मिलते थे, बहुत कम होते थे, और स्पेशली आपने मैथ्स में ग्रेजुएट किया। हाँ जी, तो स्पेशली गर्ल्स। तो फिर उस वक्त उसने मेरे को कहा कल ही चलो, नेक्स्ट डे सैटरडे था, तो कहती मैं आपका एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में नाम दाखिल करा दूँ। मैंने कहा मैंने अपने पापा को पूछना है, कहते कोई नहीं बाद में पूछ लेना। तो मेरे को सुबह ही वो साथ ले गई, और मेरे उन्होंने वहाँ नाम दाखिल करवा दिया, और बस नेक्स्ट मंडे से उसने मेरे को स्कूल में रख लिया जी। तो इस तरह से मैंने वो अपनी स्टार्ट की है सर्विस। कॉलेज में फिर मैंने इंटरमीडिएट कर लिया मैथ्स के साथ ही, तो मैथ्स और इंग्लिश मतलब मेरे मेन सब्जेक्ट्स थे, और साथ में फिलोसफी भी मैंने रखी थी कुछ देर। तो इस तरह से फिर ग्रेजुएशन मैंने कॉलेज से कर लिया, और बीटी जो थी वो मैंने अमृतसर से डीएवी कॉलेज से की। हाँ, उस वक्त वैसे उसको सरस्वती कॉलेज बोलते थे, अब वो डीएवी कॉलेज है उसका नाम। तो उसी साल मतलब मेरे को सर्विस मिल गई, मतलब जैसे ही छुट्टियाँ पड़ी थी तो छुट्टियों के पहले दिन ही से मतलब मेरी सर्विस है, वो 1963 से। अच्छा। 61 से। तो 61 टू 95 में मैं रिटायर हुई हूँ। 95 में आप रिटायर हुई? रिटायर हूँ। 61 से, लेकिन 95 में रिटायर भी हो गए हैं। हाँ। तो ये किस रिगार्डिंग जॉब, किस रिगार्डिंग थी? मतलब एज ए मैथ्स टीचर, मतलब ठीक से मेरी ग्रेजुएशन, क्योंकि वो विद मैथ्स थी, तो फिर मेरे को मेरे जो थे वो मैथ्स एज ए मैथ्स टीचर। उस वक्त हम दो ही लड़कियां थी मैथ्स की। उसके बाद ये भी सुना है कि आप प्रिंसिपल भी रह चुकी हैं। तो स्टार्ट मैंने वहाँ से सर्विस की थी, फिर 63 में मेरी मैरिज हो गई, तो मैं नूरपुर में सर्विस कर रही थी। तो नूरपुर में मेरे फादर की कज़न थी जो प्रिंसिपल थी, तो उन्होंने मुझे अपने पास ही रखा था, उनके साथ ही रही मैं। तो बहुत अच्छा माहौल रहा, और सारे टीचर्स शाम को सैर करने निकलते थे, और फिर वहाँ उन्होंने ना फूड प्रिजर्वेशन वगैरह का कोर्स होते थे उस वक्त गर्ल्स स्कूलों में, तो वो भी कोर्स रखे थे, फिर उसमें भी पार्टिसिपेट करते थे हम। फिर वहाँ अचार और मुरब्बे बनाते थे, उसमें भी पार्टिसिपेट किया, क्योंकि वो प्रिंसिपल अपनी थी, तो
उनकी एक छोटी बेटी थी, वो उस वक्त पढ़ती थी मतलब फर्स्ट सेकंड में। तो इस तरह से मैंने मतलब 67 तक वहाँ सर्विस की है। तो उधर मैम अगर बात करें चंबा की शादियों में के बारे में, तो कौन से रस्म रिवाज हैं जो आज तक चल रहे हैं? एक तो ये है कि वहाँ तेल डालने का बड़ा रिवाज है, तो सारे जितने भी मतलब अपने रिश्तेदार होते हैं या अपने मोहल्ले के अपने नॉन, वो सब आते हैं, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, तो वो सब तेल डालते हैं उसके सिर पर। वो उन्होंने रखा होता है एक बर्तन में तेल और उसमें ध्रुव, वो ध्रुव के साथ ऐसे करके तेल मतलब डालेंगे और साथ में वहाँ गाने गाएंगे, तो वो तेल के मतलब मुताबिक ही ना उन्होंने मतलब अपने वहाँ के गाने बनाए होते हैं, तो वहाँ वो गाने से मतलब बड़ा माहौल जो है। दूल्हा दुल्हन दोनों के साथ ही रस्में निभाई जाती हैं? नहीं नहीं, जो दूल्हे की शादी है तो दूल्हे को, और अगर लड़की की शादी है तो लड़की को, उनके घर घर पर, हाँ उनके घरों में। तो ये कुछ ऐसा कि 700 सुहागने कुछ ऐसा ग्रुप है कि कोई भी लगा सकता है? हाँ नहीं, तो कोई भी लगा सकता है, सब। हाँ जी। तो ये रस्म कब होती है? ये रस्म होती है शादी से पहले। शादी से पहले हाँ जी। तो अगर हम बात करें और कोई रस्मों के बारे में अगर आप जानते हो, तो बाकी वहाँ का एक और रिवाज है कि पहले वो इतना नहीं था लेकिन अब थोड़ा चेंज हो गया है, तो लोग वो जो इकट्ठे होते हैं ना, तो वो 5-7 दिन मतलब 7 दिन मतलब कोई अपने अपने लिहाज से करते हैं, तो वो गाना जो है और गाना बजाना उनका दोपहर को, कईयों का शाम को होता है, और कई तो फिर वहाँ पर लक्ष्मी नारायण मंदिर है तो वहाँ पर मतलब खाने वगैरह का इंतज़ाम करते हैं, कई अपने घरों में करते हैं जी। मैम अगर हम बात करें धाम के लिए, क्योंकि कांगड़ा में हम हैं इस वक्त, हम कांगड़ा में इंटरव्यू जो है ये शूट कर रहे हैं, धाम बड़ी फेमस है कांगड़ा की, तो चंबा की धाम क्यों फेमस है, कौन से ऐसी डिशेज हैं जिसकी वजह से वो फेमस है, इसके बारे में बताएं। स्पेशली दो चीज़ें हैं वहाँ, एक तो है मदरा, तो मदरा जो है वो राजमा का बनता है वहाँ पर। अच्छा, राजमा का बनता? राजमा का, यहाँ पे सफ़ेद चनों का बनता है? हाँ नहीं, वहाँ राजमा का बनता है, राजमा का मदरा बनता है, पर उस मदरा ऐसा होता है जैसे घी देसी है ना, वो बस घी घी दिखाई देगा, तो मतलब आपको जैसे वो थोड़ा सा डाल गए हैं ना, तो कितने सारे चावल तो उसी के साथ ही खाए जाते हैं, मतलब वहाँ की वो स्पेशल डिश है जो कि हमने भी अब बनानी सीखी है। जैसे ही मतलब हमने पढ़ाना शुरू किया तो उस वक्त तो इतनी झील थी, मतलब इतना मतलब स्टेमिना भी होता था, तो पढ़ाने में मतलब कोई कसर नहीं रखते थे हम, सुबह भी ओवर टाइम लेने बच्चों के और आफ्टर स्कूल भी ओवर टाइम लेना, और मैंने स्पेशली 7-8 बच्चे निकाल के रखे होते थे जो के मतलब हैरान होंगे आप सुनकर कि कंटिन्यूसली 7 ईयर्स मेरा बच्चा जो है वो बोर्ड में भी फर्स्ट आया है क्षमता से। बहुत अच्छा, कितना प्राउड मोमेंट होता होगा उस टाइम पे, क्योंकि जैसे टीचर्स अपने बच्चों को मिलती हैं और वो कहीं कुछ ग्रो कर चुके होते हैं या बहुत अच्छी पोजीशन लेते हैं, तो टीचर्स को ही प्राउड होता है अपने स्टूडेंट्स पे। तो अगर बात करें मैम गर्ल्स में, जैसे आप फर्स्ट ग्रेजुएट रहे हैं गुरदासपुर के, तो क्या उस समय फीमेल टीचर्स थी आपके स्टाफ में कि आप अकेले थे? स्टार्टिंग की बात कही जाए तो फीमेल टीचर्स दो थी मेरी जो बड़ी बहू है वो भी मतलब स्कूल में है, इनका स्कूल जो है बिल्कुल चंबा डिस्ट्रिक्ट में ही है, तो वहाँ पर इसने तो इतना स्कूल को सुंदर बना दिया है कि उसकी ग्राउंड में कोई हजारों ही पौधे लगा दिए हैं। अच्छा। हाँ तो पौधों की बहुत शौकीन है, हाँ वो पौधों की इतनी शौकीन है कि बस चारों तरफ आपको खिले खिले फूल मिलेंगे दिखाई देंगे। जैसे एक दिन हम गए बाहर से ही हालांकि, तो बाहर से गेट से देखा तो सारी ग्राउंड जो थी वो फूलों से चहक रही थी, मतलब बड़ा अच्छा लगा देख करके। तो फूलों का बड़ा शौक है, और घर में भी सैकड़ों मतलब इसने वो बनाए हैं गमले और उसमें फूल लगे हैं, घर के 3 तरफ फूल ही फूल दिखाई देंगे आपको, बहुत मतलब शौक रखती है। और इसके अलावा स्टूडेंट्स के लिए भी मतलब स्टूडेंट्स को चंबा ले जाती है, मतलब गेम्स में भी और दूसरी भी कुछ मतलब जैसे कोई
चलते हैं स्कूलों के प्रोग्राम, तो उनमें भी ये चंबा चली जाती है साथ में बच्चों को लेकर के। तो एक गांव के स्कूल में खास करके जा करके ऐसा करना बहुत ही अच्छी बात है। हाँ, क्योंकि गांव के बच्चों में अगर ये चीज़ पैदा हो जाए तो वो भी बेचारे आगे निकल के कुछ बनेंगे। तो यही हमारी ड्यूटी है और हम समझते हैं कि यही हमारा कर्म है, और इस कर्म में हम सफलता प्राप्त कर गए तो इसका मतलब हमारा जीवन सफल हो गया। तो चलिए मैम, चलते चलते अगर आप कुछ युवा पीढ़ी के लिए संदेश देना चाहें। तो मैं तो यही संदेश दूंगी कि जो बच्चे पढ़ने जा रहे हैं वो अपना पूरा ध्यान पढ़ाई पर दें, क्योंकि पढ़ाई करने से ही वो आगे बढ़ेंगे और उनका जीवन जो है तभी सफल होगा जो पढ़ करके आगे निकलेंगे। और पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है जिससे उनका भविष्य बन सकता है और उनका जीवन सुधर सकता है, और साथ ही इसके वो अपने माँ बाप की पूरी हेल्प कर सकते हैं। तो ये बहुत ही ज़रूरी है बच्चों के लिए। बच्चे जो हैं वो इस वक्त उनमें पूरी एनर्जी है, उस एनर्जी को इस तरफ केंद्रित करें और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करके अपने माँ बाप का नाम रोशन करें, अपने देश का नाम रोशन करें, अपने सारे संसार का नाम रोशन करें।